फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन और वर्क ग्रुप के बारे में डिफरेंस। और अगर आपसे सेपरेटली भी पूछ ले कि डोमेन क्या होता है या वर्क ग्रुप क्या होता है, तो आप एनी पॉइंट को वहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द कंप्यूटर इन ए डोमेन हैव ए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। जो डोमेन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक जो डाटाबेस होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब सेपरेट नहीं होता, एक सेंटर में जो है वो डाटाबेस यूज़ करते हैं। जबकि वर्क ग्रुप क्या होता है, वर्क ग्रुप में जो है ग्रुप क्या होता है उनका अपना अपना लोकल डाटाबेस यूज़ करते हैं, ना कि एक सेंट्रलाइज डाटा। डोमेन इज मेनली टू ट्रांसफर एंड शेयर सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट डाटा ओनली। डोमेन जो है उसको कब यूज़ करते हैं आप, जब अपने को कोई सेंसिटिव या इम्पोर्टेंट डाटा शेयर करना हो और डोमेन का यूज़ करते हैं। और वर्क ग्रुप जो है उसको यूज़ करते हैं आप, शेयर तो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल डाटा, पर उसमें क्या सिक्योरिटी जो है वो लेस होती है किसके मुकाबले, डोमेन की, मतलब इनकी कंपेयर में इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, वर्क ग्रुप की जो है कम होती है। डोमेन इज़ मेनली प्रेफर्ड फॉर लार्ज पब्लिक एंड बिजनेस वर्क। डोमेन जो है कब प्रेफर किया जाता है, जब कोई लार्ज बिजनेस हो या पब्लिक बिजनेस हो तो प्रेफर करते हैं, जो कि वर्क ग्रुप जो है इसको प्रेफर कब करते हैं, स्मॉल या फिर कोई लोकल बिजनेस हो जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, इन सब के लिए वर्क ग्रुप जो है उसको प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोमेन कैन वर्क बेटर फॉर लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस। डोमेन जो है उससे क्या कर सकते हैं हम, एक साथ बहुत सारे डिवाइस जो है वो एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं डोमेन में। जो वर्क ग्रुप क्या है बेटर होता है फ्यूर कंप्यूटर, मतलब इसके साथ जो है हम कम कंप्यूटर यूज़ करेंगे तभी जो है ये अच्छे से वर्क करेगा। अगर ज़्यादा कंप्यूटर इसको कनेक्ट कर लिए तो इसमें लोडिंग ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो जो है ज़्यादा डिवाइसेस के लिए बेटर डोमेन है। तो डोमेन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय द डोमेन कंट्रोलर ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। डोमेन की जो नेम है वो कौन प्रोवाइड कराता है, जो डोमेन को कंट्रोल करता है, जो उसका कंट्रोलर होता है, और किसके बेस पे, उनका जो अलग अलग आईपी एड्रेस होता है अलग अलग डिवाइसेस का, तो उनके बेस पे क्या उनको डोमेन नेम दिया जाता है। इन इट नो डिपेंडेंसी और एनी हार्डवेयर कंपोनेंट। इसमें क्या है, आईपी एड्रेस का कोई रोल नहीं होता, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं होते। एंड सर्वर फॉर असाइनिंग द नेम, मतलब नेम असाइन करने के लिए उनको कोई भी आईपी एड्रेस या फिर कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है कि हार्डवेयर कंपोनेंट कैसा है या कैसा उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। डाटा कैन बी कवर्ड इन ए डोमेन। डाटा जो है वो कवर्ड किसमें होता है, फ्रॉम ए सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। और जो डाटा रिकवरी जो है इसमें क्या है, पॉसिबल नहीं होते, बट इसमें क्या है, डाटा जो उसको कवर कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं अपन, क्या कहाँ कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, लोकल स्टोरेज होते हैं ईच डिवाइस की, तो डाटा रिकवरी जो है पॉसिबल नहीं होती। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डिफरेंस की तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, प्लीज़ कमेंट करके बता देना आप। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फिर मैं ज़्यादा वीडियो डालूँ इस चैनल पे। ओके, टेक केयर, बाय।